Thank you everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside parliament, because we cannot raise it inside parliament. We raised the issue of price rise outside parliament, because we could not raise it inside parliament. And today we have come here to speak to you, because we are not allowed to speak inside parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. आप सरकार के स्पोक्समैन हैं क्या? सरकार ने आपको ये बोलने को कहा है? मैं पूछ रहा हूँ, आप सरकार के स्पोक्समैन हो क्या? आप सरकार के लिए काम करते हो क्या? मैं मीडिया का आदमी हूँ। नहीं, आप मीडिया के आदमी नहीं हो, आप सरकार के आदमी हो, क्योंकि मीडिया की सच्चाई मैं बताता हूँ। आप बताने दीजिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई, और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको और हिंदुस्तान को बताता हूँ, यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, युवाओं, जो आप घर में बंद हो आज, जो आपके फोन में पेगासस है, आप सुनिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। ये सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। धन्यवाद।